माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी और श्री हीरालाल नागर जी। ओम जी बिरला जिंदाबाद, ओम जी बिरला जिंदाबाद, ओम जी बिरला जिंदाबाद। ये पर्व सिर्फ रक्षा सूत्र का पर्व नहीं है, ये पर्व है भाई बहन के अटूट रिश्ते का, ये पर्व है भाई बहन के पवित्र प्रेम का। यहां भी हम राखी बांधेंगे, उसके बाद भाई के घर जब बहनें आती हैं तो राखी बंधाने के बाद भाई अपनी बहनों को भोजन कराए बिना नहीं जाने देता है। आप भी भोजन करके जाएंगी और उसके बाद जब आप अपने घर के लिए अपने परिवार में चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के जाती हैं और विदाई भाई के द्वारा की जाती है, वो विदाई के स्वरूप आपको ये साड़ियां भी दी जाएंगी जो कि आपको गेट से मिल जाएंगी। ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है, ये सिर्फ एक साड़ी नहीं है, ये एक भाई का अपनी बहन के लिए प्यार है। ये वो लम्हे हैं जो भाई इन साड़ी के माध्यम से आपको देना चाहते हैं कि जब भी आप इन साड़ी को देखें तो आपको याद आए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी भाई के रूप में आपका उनका एक रिश्ता बना था। आपको याद आए हमेशा कि श्री हीरालाल नागर जी का भाई के रूप में आपका एक रिश्ता बना था। ये वो रिश्ता है। मैं चाहूंगी जब हम रक्षा सूत्र का ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां पूरे मंडल में बजा दीजिएगा, पूरे सभागार में एक जोरदार तालियां। एक नई पहल माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी के साथ, एक कोशिश समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की, एक कोशिश उनके बहन के घर में हमेशा खुशहाली रहे, क्योंकि उनको पता है कि उनके बहन के घर में खुशहाली रहेगी तभी तो उनके बहन के चेहरे पर यह मुस्कुराहट कायम रहेगी। इसलिए वो यही कोशिश करते रहते हैं किस तरीके से हमारे संसदीय क्षेत्र के जो रहवासी हैं उनके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे, चाहे बच्चों की शिक्षा की बात हो, चाहे बहन के स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बात हो रोटी कपड़ा मकान इन तीन आवश्यकताओं को पूरा करने की, चाहे बात हो गर्मी में किसी नंगे पैर जाते हुए व्यक्ति को चप्पल पहनाने की। ये मात काम नहीं है, ये मात ये फिक्र है अपने रहवासियों के लिए, ये चिंता है अपनी बहनों के लिए, क्योंकि बहनों की चिंता में ही ये रहता है कि ताकि वो परिवार उनका खुश रहे तो उनकी बहनों की भी खुश बनी रहे। तो आप सभी जो यहाँ पर आज एक रिश्ते में बनने जा रही हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी और श्री हीरालाल नागर जी के द्वारा, जिन्होंने आज मंच से इस बात को भी कहा, ये मात्र कहने के लिए रिश्ता नहीं है, ये भावना से जुड़ा हुआ रिश्ता है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा अटूट रिश्ता है जो भावनाओं से जुड़ करके साथ में साथ चलता है हमेशा। और जो बहनें ने राखी बांध ली उनसे हमारा निवेदन है कृपया वो वहां से उस जगह को खाली कर दें। हेलो, जिन बहनों ने राखी बांध ली है उनसे हमारा निवेदन है कृपया वो वहां से अपना स्थान खाली कर दे ताकि और जो बहन है वो राखी बांध सके। बाकी सभी अपनी जगह पर बैठ जाइएगा और आप ये आप परेशान नहीं होइएगा, जितनी बहनें यहाँ पर आई हैं सभी को माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी और हीरालाल नागर जी जो आज आपके साथ एक अटूट रिश्ते में बंध रहे हैं भाई बहन के में, उन सभी गेट पर सौगात दी जाए साड़ी के रूप में। ये राखी के एक रक्षा सूत्र जो आप बांधने जा रहे हैं, एक वचन के साथ साथ एक ये गिफ्ट आपको सौगात अपनी बहन को कि वो बहन जो राखी बांधने के लिए आई है उसको विदाई देते समय ताकि बहन के चेहरे पर ये मुस्कुराहट वो आज देखते हुए विदा कर रहे हैं तो वो मुस्कुराहट हमेशा उनके चेहरे पर बनी रहे। यही कोशिश, यही एक क्रम, एक यही एक शुरुआत कि चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की। ओम जी बिरला जिंदाबाद, ओम जी बिरला जिंदाबाद, ओम जी बिरला जिंदाबाद, हीरालाल जी भाई साहब जिंदाबाद। एक
अचल नागर जिंदाबाद, 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 ओम जी बिरला जिंदाबाद। और जो महिलाएं पीछे खड़ी हैं उनसे निवेदन है कृपया आप बैठ जाइएगा। जब तक हमारा ये रक्षा सूत्र का ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, मैं यहाँ पर सभी बहनों का सभी का धन्यवाद करने के लिए आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी अमृत कुमार जी जो प्रधान है पंचायत समिति सांगोत, उनको आमंत्रित करती हूँ। श्री जयवीर सिंह सर को मैं आमंत्रित करती हूँ सभी का धन्यवाद करने के लिए। भारत माता की, भारत माता की। सांगोद के आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच में विश्व की सबसे बड़ी पंचायत के मुखिया और लोकतंत्र के सतत प्रहरी हमारे लोकप्रिय नेता सम्माननीय ओम जी बिरला सांगोद विधानसभा में पिछले कार्यकाल में जिन्होंने विकास की गंगा का भागीरथी अवतरण लिया, ऐसे पूर्व विधायक सम्माननीय हीरालाल जी नागर मंच पर विराजमान, सभी अतिथिगण, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भाई प्रेम जी गोचर और मेरे सामने विराजमान ये अभूतपूर्व मातृशक्ति, आसपास से पधारे हुए सभी कार्यकर्ता और किसान भाइयों, ये वाकई में आज हम सबके लिए एक यादगार पल है। जब आज देश की सर्वोच्च पंचायत के मुखिया इस क्षेत्र की महिलाओं से साथ एक अटूट रक्षाबंधन का सूत्र बनवाकर भाई बहन का एक अटूट रिश्ता कायम करने जा रहे हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय बिरला जी का, जिनके क्षेत्र से हम लोग आते हैं, क्योंकि एक तो ये फक्र की बात है कि ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने हर पहलू हर फील्ड में कार्यकर्ताओं के लिए आम जन के लिए कार्य किए। आप अगर सही मायने में कहें तो नवाचारों के प्रकल्प के प्रणेता, और हमें भी गर्व होता है ऐसी शख्सियत के साथ जुड़ने का जिन्होंने समय समय पर, चाहे वो कुपोषित मां का प्रकल्प हो, चिलचिलाती धूप में नंगे पैर रहने वालों को चप्पल पहनाने का प्रकल्प हो, या एक हमारा चर्मकार भाई जो गर्मी में सड़क के बीच में बैठकर अपने कार्य करने वाले को छाता उपलब्ध कराना हो, इस प्रकार कई प्रकल्प माननीय बिरला जी ने चला रखे हैं।